अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगाना। क्या किसी समीकरण निकाय के अवलोकन से ही आप उसके हल के बारे में बता पाएंगे कि उसके हल हैं अथवा नहीं? हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए हमें समीकरण निकाय के चरों एवं अचर पदों के गुणांकों के बीच के संबंधों को जानने की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित समीकरण निकाय को देखिए। 2x धन 3y बराबर 7 समीकरण 1, 6x धन 9y बराबर 11 समीकरण 2। समीकरण 1 में x का गुणांक 2, y का गुणांक 3 व अचर पद 7 है। अब यदि 2, 3 व 7 को क्रमशः a1, b1 व c1 लिखा जाए तथा समीकरण 2 के x, y के गुणांक व अचर पद को क्रमशः a2, b2 व c2 लिखा जाए, तब दिए गए समीकरण निकाय को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। a1x plus b1y बराबर c1, a2x plus b2y बराबर c2। ऐसे ही हम अन्य समीकरण निकायों को भी लिख सकते हैं। समीकरणों के समान चरों के गुणांकों व उनके अचर पदों के अनुपातों के बीच के संबंधों को तालिका में दर्शाया गया है, जिनसे हम समीकरण निकाय के हल के बारे में जान पाते हैं। सारणी, क्रमांक, समान चरों के अनुपातों में संबंध, प्रतिबंध या शर्त, समीकरण निकाय के हल, ज्यामिति अर्थ। पहला, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। इस स्थिति में अद्वितीय हल प्राप्त होता है। इसका ज्यामिति अर्थ है समीकरण निकाय दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करता है। दूसरा, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। इस स्थिति में कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। इसका ज्यामिति अर्थ है समीकरण निकाय दो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है। तीसरा, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। इस स्थिति में अनंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं, जिसका ज्यामिति अर्थ है समीकरण निकाय संपाती रेखाएं प्रदर्शित करता है। आइए इन संबंधों के आधार पर समीकरण के हल के बारे में पता करते हैं। उदाहरण 18। दिए गए समीकरणों का हल किस प्रकार का है पता करें। 3x धन 5y बराबर 12 समीकरण 1, 4x धन 2y बराबर 5 समीकरण 2। प्रश्न जो है, पहला समीकरण 3x धन 5y बराबर 12 समीकरण 1 दिया है और 4x धन 2y बराबर 5 समीकरण 2 है। यहां पर समीकरण तीन एक्स धन 5y बराबर 12 की तुलना हम समीकरण निकाय a1x धन b1y बराबर c1 से करेंगे। तो इसमें हमें a1 जो है वो प्राप्त होगा, a1 के स्थान पे 3 है तो a1 बराबर 3। उसी तरह से a1x धन b1y बराबर c1, तो b1 के स्थान पर हमारे पास 5 है, तब हम यहाँ पे b1 को लेंगे, b1 बराबर 5। उसी तरह से a1x धन b1y बराबर c1, तो c1 के स्थान पर यहाँ पे है 12, तो हमें 12 प्राप्त होता है। अब दूसरा समीकरण जो है हमारा 4x धन 2y बराबर 5 में, इसको हम समीकरण निकाय a2x धन b2y बराबर c2 से करेंगे। तो a2 के स्थान पर हमारे पास है यहाँ 4। उसी तरह से b2 का जो है
b2 का मान यहाँ पे 2 है, तुलना कर रहे हैं हम, और c2 के स्थान पर यहाँ पे है 5, तो c2 का मान 5 हो जाएगा। चूंकि चूंकि यहां a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 से, कहीं a1 और a2 का मान 3 है और ये 4 है, तो a1 बटा a2 क्या होगा हमारे पास 3 बटा 4, उसी तरह से b1 बटा b2 लेंगे तो 5 बटा 2 है। तो इसे यह समझ में आता है कि a1 बटा a2 जो है उसका मान b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं है। इसीलिए समीकरण का अद्वितीय हल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब स्थिति a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 से, तब ऐसे समीकरण का अद्वितीय हल होता है। इसीलिए दिए गए समीकरण का यह अद्वितीय हल है, यह इस प्रश्न का हल होगा।